महिला आयोग में हमारे पास ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिनमें ऐसा लगता है कि हमारे समाज में ये संस्कार नहीं है, कल्चर नहीं है और एक गलत दिशा में लोग जा रहे हैं जिसके भविष्य में परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए इस बयान को मैंने जारी किया था कि प्री वेडिंग शूट लड़कियों के भविष्य के लिए खतरनाक है। हमारे पास एक मामला आया था जिसमें रिश्ता तय हो गया था और शादी होने की थी, तो प्री वेडिंग शूट कराया था और इवन दो दिन की शादी थी, तेल हल्दी की तैयारी हो गई थी, लग गया था और रिश्ता टूट गया। लड़की के परिवार का तो पूरा जो शादी का खर्च है वो हो चुका था और लड़के वालों ने उसका पैसा देने से मना कर दिया। लड़के की कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो पहुंच गई तो वो शादी नहीं होने दूंगी और शादी टूट गई थी। तो इसमें लड़की का कोई दोष नहीं था, उसके परिवार का कोई दोष नहीं था, लेकिन उनके फोटोग्राफ्स थे वो उसको लेकर के वो परेशान थे। अंततः जब हमारे आयोग में केस आया तब उन लोगों ने पूरे पैसे खर्च के राशि सब लड़की पक्ष को वापस किया और फिर हमारी समझाइश हुई कि प्री वेडिंग शूट के जो भी फोटोग्राफ्स हैं जो मोबाइल में इंटरनेट में वो सारी चीजें डिलीट किया जाए और भविष्य में वो लड़की के जो भी फोटोग्राफ्स हैं उसका मिसयूज लड़के पक्ष के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो हमारी समझाइश का असर पड़ा और उन्होंने सहमति दिया कि हम इसका भविष्य में हमारे पास कोई भी फोटोग्राफ है नहीं और हम इसका कोई भी मिसयूज नहीं करेंगे। तो हमने उसमें एक अधिकार सुरक्षित रखा है लड़की के लिए कि यदि कभी भी भविष्य में ऐसी कोई भी प्री वेडिंग शूट की फोटो का मिसयूज होता है तो फिर से वो आयोग में आ सकती है और फिर उनके ऊपर FIR कराई जाएगी। इस पूरे प्रकरण को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये पूरे समाज में ये संदेश जाना चाहिए कि शादी के बाद आप जितनी चाहे फोटो कराएं तो आप कपल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ऐसी दुर्घटना भविष्य में किसी भी लड़की के साथ हो सकती है तो ऐसे बहुत इंटीमेट चीजें और फोटोग्राफ्स और वीडियो शूटिंग भूल करके भी परिजन ना कराएं और ना ही कराने का प्रोत्साहन दें। शादी के बाद वो और उसके पति की सहमति से जो भी फोटोज होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रिश्ता टूट जाने की स्थिति में लड़की और उसके परिवार के भविष्य के लिए ये बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाती है कि लड़की के दूसरी जगह शादी होने पर उसका घर भी बर्बाद कर सकती है ऐसी फोटोएं। इसलिए मैंने ये बयान जारी किया था।